हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं बिहार का इंडस्ट्रियल हब। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि प्लग एंड प्ले प्लास्टिक पार्क या बेड़ा का ज़मीन के आप नाम से जानते होंगे, जहां पर पेप्सी की फैक्ट्री है, इथेनॉल है, प्लास्टिक पार्क है, सब कुछ है। चलिए मैं दिखाता हूं पूरा एरिया को कि कौन सा यहां पर क्या क्या चल रहा है। तो ये बेड़ा की ज़मीन है, देखिए आप, ग्रोथ सेंटर बेगूसराय, बेड़ा ऊपर लिखा हुआ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। मैं बिहार के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप को दिखा रहा हूँ। और ये एंट्री है, एक एग्जिट एंट्री इस तरफ है, एक आगे है, तो मैं पीछे आया हूँ। और ये बेगूसराय हो गया, पटना का भीटा हो गया, या फिर गया का बोधगया हो गया। बोधगया भी गया था मैं अपडेट देने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं, इसीलिए मैं चला आया रिटर्न। या फिर मुजफ्फरपुर का बेला हो गया। तो मैं सभी जगह को धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ऐसे तो देखने में लग रहा है जैसे 1000 एकड़ से ज़्यादा मेरा एरिया होगा। जैसे मैं उम्मीद नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक व्यूअर मेरे हैं जिनकी वजह से मैं इन सब जगहों पर पहुँचता हूँ। नाम उनका नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोगों की वजह से, उनकी एक की वजह से हज़ारों लोग हमें देखते हैं, तो फिर हज़ार लोग जुड़ गए हैं। इस तरफ जो देख रहे हैं, ये पेप्सी का है, बेवरेज करके किन्हीं का है ये, और इस तरफ प्लास्टिक पार्क है जहाँ पर प्रिंस कंपनी का और भी बहुत सारे प्लास्टिक पार्क है, और प्लग एंड प्ले का भी है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं पैदल चलूँगा, चाहे वीडियो जितनी देरी की भी हो, मैं पूरे अच्छे तरीके से इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। इस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये 45 मीटर चौड़ा होगा दोनों साइड, सब कुछ मिला करके लाइटिंग की व्यवस्था देखिए आप। तो बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए ये सारी चीज़ें बेड़ा के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पर ज़मीनें ली जा रही हैं, कई सौ और कई हज़ार एकड़ ज़मीन ले करके और डेवलप की जा रही है। और मैं पैदल चल करके दिखा रहा हूँ, कुछ ही जगह कवर कर पा रहा हूँ। शायद ड्रोन होता मेरे पास, फ्यूचर में तो होगा ही, और तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन मेरे मेहनत से जितना दूर तक आप लोगों तक जो भी चीज़ पहुँचता है, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरफ वाला कोई एरिया प्लास्टिक पार्क के नाम से जाना जाता है, ये पूरा देखिए आप, वेडवेज करके कुछ है, पेप्सी ये पूरा। तो ये मैं पीछे से कवर कर रहा हूँ, इसका आगे से गेट है मेन। पीछे से कवर करने का मकसद ये है कि इस तरफ से धूप पड़ी है, जिसकी वजह से मैं क्लियर दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं आगे से दिखाता तो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। और फिर बहुत जल्द मैं भीटा के भी इंडस्ट्रियल एरिया का, इंडस्ट्रीज का हब का अपडेट करूँगा। तो ये वरुण बेवरेज लिमिटेड है, तो सभी का अलग अलग है, कोई 100 एकड़ में, कोई 50 एकड़ में, कोई 10 एकड़ में, कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए आप, वरुण बेवरेज लिमिटेड सी का है स्पेशल। तो सोच सकते हैं आप कि इस फैक्ट्री में अगर कितना भी कम, अगर टीम की बात करो तो 500 प्लस होगी। और इस तरफ तो बहुत कुछ बन रहा है। और यहाँ मीना ट्रेडर्स है, प्लॉट नंबर इतना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कॉर्न मिल एंड राइस मिल यहाँ पर। तो हो सकता है और इस एरिया में भी काम चल रहा है। इस तरीके के लोहे के अब ज़्यादातर बनाए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी इसे कहीं और शिफ्ट करना हो तो नट वल्टू खोलें और उसे ले जाकर कहीं शिफ्ट कर दें। ऐसे भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती है, तो वो इसी तरीके की होती है कि वो मजबूत हो, टिकाऊ हो, और जब चाहे तब उसे कहीं से कहीं मूव किया जा सकता है। क्योंकि हर जब ये इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो इनका दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर गोल गोल घूम करके उस तरफ चलूँगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, सोचिए अभी तक मैं 500 मीटर चल चुका होऊँगा। और मैं इसे फिर फ्यूचर में अच्छे से अपडेट करूँगा, अभी तो ये मेरा ट्रायल है, ये मैं देखने के लिए खुद आया था कि कहाँ पर क्या है। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, बन रहा हो, मजबूती से बन रहा है, और हमारे बिहार की तरक्की में एक नया पंख लग रहा है। और इस चीज़ को अच्छा लगता है जब मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारा बिहार बदल रहा है। बिहार में बहुत कुछ है और सामने भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। और उस तरफ इथेनॉल फैक्ट्री भी है जो लग रहा है। इसका एंट्री गेट आगे से है, मेन रोड से जब आइएगा तो आपको बरौनी स्टेशन से आना पड़ेगा। आप हाथीदह स्टेशन से बोलिएगा बेगूसराय 0 माइल, और बेगूसराय 0 माइल से फिर आप आ जाइएगा पेप्सी फैक्ट्री बोलिएगा, तो आप आराम से आ जाइएगा। और देखिए कितनी सारी कैरेट रखी हुई है यहाँ पे। तो ये एक बदलाव की तस्वीर है जो वरुण बेवरेज के द्वारा लगाया गया है, ये फैक्ट्री बढ़ता बिहार चमकता बिहार। और इस तरफ भी कुछ हो रहा है, ये क्लस्टर वगैरह का होगा शायद, क्योंकि ऐसे ऐसे भीटा में बहुत सारे हैं बैग के, ड्रेस के। तो फिर ऐसे राउंड होते हुए मैं उस तरफ चला जाऊंगा। ये एरिया शायद यहाँ से माल लोड अनलोड होता है, ट्रकों की लिए एंट्री है। देखिए ऐसा लगता है जैसे आप विदेश में आ गए हो, जैसे जो कोई बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप बरौनी में आएँ,
बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आए और बरौनी में आकर के देखें, आप चलते चलते थक जाइएगा। प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारा बिहार भले थोड़ा सा लेट उठा है लेकिन बढ़ रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब कुछ भर जाएगा इंडस्ट्रीज से। और अब इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक ही जगह पे सब कुछ हो, उनके लिए एक अच्छी रोड की कनेक्टिविटी दी जाती है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी दी जाती है, उनके लिए गवर्नमेंट लीज पे ज़मीन देती है। क्योंकि फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, ज़मीन खरीदेंगे लोग तो समझिए कि 100 करोड़ रुपये उनकी ज़मीन में ही लग जाएगी, और लीज पे लेने से ये होता है कि जो 100 करोड़ वो ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़मीन में इन्वेस्ट ना कर करके वो अपने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों को फ़ायदा होगा। और जब चाहे वो अगर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो अपना ज़मीन गवर्नमेंट को फिर से रिटर्न कर सकते हैं और अपनी फैक्ट्री कहीं और लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि फैक्ट्री वाले जो भी हो, इंडस्ट्रीज़ वाले की आने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। 131 पॉल नंबर है, 130 है, तो लगभग 200 प्लस पॉलों की संख्या है यहाँ। और अभी मैं एक राउंड घूम रहा हूँ, अभी एक राउंड भी ठीक से कवर नहीं किया हूँ, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी दूर तक है। 100 एकड़ जो प्लास्टिक पार्क है वो है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मुझे दिखाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो फर्स्ट टाइम के ही समझिए। ये ट्रेलर एक तरीके से कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग रही है, और ये LED लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और इसी के जस्ट बगल में, कहीं पर बगल ही में है इलेक्ट्रिसिटी का मेन चैनल, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कम दामों में इन लोगों को दी जाती है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है भर भर करके। तरफ देखिए आप, कितनी सारी प्रोजेक्ट लग रही हैं, मतलब सभी पे काम चल रहा है। दूर दूर तक देखिए आप तो कई सारे हैं, बहुत काफ़ी दूर तक है ये, 500 मीटर आगे तक होगा, इस तरफ। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी ड्रिल मशीन लगी हुई है, या पाइलिंग के लिए जो मशीनें होती है वो लगी हुई है, और अपना काम बखूबी कर रही है। इस तरीके से देखिए आप, तो ये बिहार के। और इस तरफ एथेनॉल फैक्ट्री भी है, तो उसका भी अपडेट दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, लोग एक्सप्लोर इसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं, चाहे पेप्सी की हो, चाहे पीछे मेरे इथेनॉल है, चाहे प्लास्टिक पार्क है, जो कि अभी जो मैं जिस जगह को फिर से बता दूं, मैं बरौनी में हूं, बरौनी का इंडस्ट्रियल एरिया जो कि बेड़ा के अंतर्गत आता है, तो मैं उसका अपडेट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे उम्मीद से सिर्फ इतना दूर में अगर डेवलपमेंट की बात करूँ, मतलब इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो कम से कम अभी 1000 करोड़ मुझे लग रहा है, ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम की तो खैर उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया अभी सब तरफ पाइलिंग वगैरह हो ही रहा है, और आगे में धान की खुशबू आ रही है। तो अच्छा, इस तरफ वो जो इथेनॉल है ना, तो वो धान से ही बनता है, इसीलिए थोड़ा सा उसना हुआ। और इस तरफ भी काफ़ी बड़ा है, तो रोड की चौड़ाई ये 45 मीटर है दोनों तरफ, फ्यूचर में और इसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण चल रहा है, मतलब ये पूरा एरिया भी निर्माण चल ही रहा है। अभी तो दो ही बिल्डिंग हमें दिखी जहाँ तक, एक के पेप्सी की ये फर्स्ट वाली इस साइड, और एक के एथेनॉल की सेकंड वाली, अब बाकी इस तरफ शायद वो स्टोरेज होगा। और इस तरफ पूरा निर्माण अभी चल रहा है, मतलब ये कहाँ कि अभी 15% पे ही फैक्ट्री लग चुकी है, बाकी 50% पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ पर बनाया गया है एक बड़ा गोलंबर का मतलब यही होना चाहिए कि गाड़ी चाहे कितना भी बड़ा हो वो आराम से घूम जाए। और बेड़ा की ज़मीन घेरी गई है, और इस तरफ ऐसा कोई पॉपुलेशन है नहीं कि फ्यूचर में लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़े तो गांव खाली करवाना पड़े। अभी इस तरफ जहां तक मेरी नज़र है तो 1000 एकड़ तक खाली है इसी तरीके से, तो यानी कि फ्यूचर में भले ही अभी ये 1000 एकड़ में हो, तो फ्यूचर में 5000 एकड़ में भी ये फैल सकता है। और इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो अभी हाल ही फ़िलहाल न्यूज़ में आया था कि लगभग 6000 से 7000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर। तो 7000 करोड़ का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 70,000 लोगों को यहाँ पर जॉब मिलने वाला है, क्योंकि जो हिसाब से बिहार की घनत्व में, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये एक ही जगह होता तो और कम लोगों को होता, 20 से 30 हज़ार लोगों को जॉब मिलता। तो अब मैं फैक्ट्री के पीछे साइड में आ गया, तो मैं पहले ही बोला था कि इसलिए मैं इसे पीछे से आगे से शूट कर रहा हूँ या पीछे से, तो वीडियो क्लियर नहीं आती, इसीलिए मैं इस साइड आ गया। अगर मैं इस तरफ से आता, यानी आगे साइड से उसे दिखाने की कोशिश करता, तो नहीं होता। और इस तरफ एथेनॉल फैक्ट्री देखिए आप, काफ़ी बड़ा एरिया में लगा हुआ है ये, और ऐसा लगता है जैसे देख सकते ही हैं आप, जितना भी खाली एरिया है, तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई में यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ है। और बहुत सारी ज़मीनें हैं बीड़ा के द्वारा ली गई है, ये एथेनॉल फैक्ट्री का पूरा गेटअप सेटअप। और बेगूसराय में इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो ये सिर्फ बीड़ा द्वारा दिया गया, इसलिए आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर बरौनी रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं। ये देखिए आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरफ हो गया
और इस तरफ हो गया। अभी दो पे काम लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, दोनों ऑपरेशनल है। तो ये है बेगूसराय का बेड़ा, जहाँ की बिहार की बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। देखिए आप, तो बेड़ा की दो एंट्री है, एक ये है जिससे मैं निकला हूँ और एक आगे था जिससे मैं गया। लेकिन चलिए मैं जो फैक्ट्री लगी हुई है उसका भी मैं कुछ झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो पेप्सी की फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये पेप्सी वाले का मेन एंट्री है जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं आम पब्लिक के लिए, बाकी गाड़ियों के लिए पीछे से है। मैं उस तरफ से वीडियो बनाया था और ये रास्ता सीधे ब्रौनी की ओर चली जाती है, फिर वहाँ से आप बेगूसराय जा सकते हैं। चलिए मालूम करता हूँ यहाँ पर कुछ कुछ डिटेलिंग मिलता है कि नहीं। इस गेट पे आने पे बताया गया कि जो मैं स्टार्टिंग में आपको गेट दिखाया था उस साइड, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ आया तो यहाँ बताया गया। खैर जो भी है, तो आप आ करके ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए, जो भी होगा। एक छोटा सा अपडेट था मेरे माध्यम से बिहार की डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।